Hello everyone, welcome to Ayurveda Out of Box. About the sleep, about the benefit of sleep, Ayurveda says. Nindra tu sevita kale dhatu samya matandritam pushti varna balutsaham bahiddipti karutihi. Meaning, one who does not sleep during the day but sleeps from the second phase of night to the fourth phase till 4 o'clock in the morning, all the elements in his body remain in harmony. He does not feel lazy. His body becomes healthy. He becomes enthusiastic and his hunger is aroused. To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! If we just go on walking and walking and walking and do not sleep, tab hamara body or mind dono hi work karne ke liye unfit hota hai. Ek Western scientist ne kaha hai, they can do the most who sleep best. Yani ki agar aap achhi neend sahi samay par aur achhe se le rahe hai, to aap apna best de sakte hai. कई बार सोने के बाद सुबह सुबह भी हम लेजी फील करते हैं, या फिर कुछ बॉडी एक फील करते हैं, या फिर कुछ और. शायद उसके बाद फिर ऐसा थॉट भी आया होगा कि इतनी नींद लेने के बाद भी ऐसा क्यों फील हो रहा है. उसका रीज़न है कि आपने जो नींद इतने घंटों ली वो डीप स्लीप नहीं थी, यानी कि गहरी निंद्रा में आप नहीं सोए थे. बॉडी को रिपेयर और रिजुवेनेट करने के लिए गहरी निंद्रा बहुत ही आवश्यक होती है. अगर आप गहरी निंद्रा में 3 से 4 घंटे भी आराम लेंगे तो आप खुद को बहुत ही रिफ्रेशिंग पाएंगे. तो आइए देखते हैं ये गहरी निंद्रा किसे कहते हैं, उसमें साइंस ऑफ डीप स्लीप. अगर हम गहरी निंद्रा में हैं तो एक सजीव इंसान भी एक डेड बॉडी की तरह या फिर एक न्यू बॉर्न की तरह दिखता है. इन डीप स्लीप देर आर नो ड्रीम्स टू. यस, यू हर्ड इट राइट, नो ड्रीम्स. द एनर्जी विच वॉज स्पेंड ड्यूरिंग वेकिंग पीरियड इज रिगेन ड्यूरिंग डीप स्लीप एंड ऑल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी गेट रेस्ट. अगर हम गहरी निंद्रा में हैं तो हमारी सांसें और पल्स दोनों ही धीमी पड़ जाती है. ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है. अगर कोई डीप स्लीप में है, यानी कि गहरी निंद्रा में है, तब वो सुनने की और स्पर्श की क्षमता खो देता है. और जब वो गहरी निंद्रा से उठते हैं तब सबसे पहले सुनने की क्षमता वापस आती है और उसके बाद स्पर्श की क्षमता वापस आती है. अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आपने एक अच्छी डीप स्लीप और डीप रेस्ट लिया है. एंड दैट्स रियली ग्रेट फॉर आवर बॉडी एंड माइंड. डीप स्लीप के लिए जरूरी होता है माइंड और थॉट्स पे काबू करना, कंट्रोल करना, जो हम मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं. अगर हम ड्रीम के बारे में देखें तो ड्रीमिंग मीन जिसके द्वारा हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है हमारे इमोशंस, स्टिम्यूली, मेमोरीज एंड जो भी इंफॉर्मेशंस हमने एब्जॉर्ब की है थ्रू आउट द वेकिंग डे. अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ड्रीम्स तो आते ही है, हर रोज आता है या फिर कभी कभार भी आता है, तो यानी कि हम डीप स्लीप रेस्ट नहीं ले रहे हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू द होल साइकिल. अगर हम स्लीप की बात करें, डीप स्लीप की नहीं, डीप स्लीप और स्लीप बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. डीप स्लीप इज अ पार्ट ऑफ स्लीप. डीप स्लीप इज कंप्लीट रेस्ट फॉर बॉडी एंड माइंड. अब अगर देखें स्लीप के बारे में तो स्लीप को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप. रेम मीन्स रैपिड आई मोमेंट. रेम स्लीप इज एन एक्टिव स्लीप.
जहाँ पे हमें ड्रीम्स भी आते हैं, हमारी ब्रीथिंग और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है, हमारे मसल्स भी और आई मूवमेंट भी होता है। चलिए आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करते हैं अबाउट स्लीप, डीप स्लीप्स एंड ड्रीम्स। तो सबसे पहले सोचिए, हमें थॉट्स कहाँ से आते हैं? माइंड से, राइट? अब हमारे ड्रीम्स में क्या होता है? अगर आप देखेंगे, अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि शायद हमें किसी चीज़ का फियर है, या फिर हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें ड्रीम्स उसके ही आते हैं, शायद बार बार भी आते हैं और शायद कभी कभार ही आते हैं। ऐसा क्यों? That depends upon our thinking pattern. अब अगर स्लीप के बारे में देखें, तो हम नींद तो काफ़ी घंटों की लेते हैं, करीबन 7 से 8 घंटे ऑलमोस्ट। अब जो हम स्लीप लेते हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें रैम, नॉन रैम, डीप स्लीप आते हैं। ड्रीम्स आना इज़ नॉट बैड थिंग, पर अगर आप सारी रात सो नहीं पाते हैं, then it's diseased condition and you need some deep sleep or meditation. जब हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसमें एक स्टेज होता है डीप स्लीप का, यानी कि गहरी नींद का। हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन डिस्क्राइब करी है वो डीप स्लीप के बारे में है। अगर आप डीप स्लीप 3 से 4 घंटे की भी लेते हैं, यानी कि कंप्लीट बॉडी एंड माइंड रेस्ट, बॉडी के रिचार्ज, रिज्यूनेटिंग और रिपेयर की प्रोसेस के लिए डीप स्लीप बहुत ही ज़रूरी होती है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि नींद और गहरी नींद, यानी कि स्लीप और डीप स्लीप में क्या अंतर होता है। इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट 3 आवर्स डीप स्लीप गिव्स यू मोर रेस्ट देन 8 आवर्स शैलो स्लीप। Our restless and stressed minds wants meditation. यानी कि there is a option. अगर आपको deep sleep नहीं आ रही है, then you can do meditation too. पर अगर आप गहरी नींद ले रहे हैं, then nothing is greater than this. इससे ज़्यादा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. और अगर हम अच्छी deep sleep लेते हैं, तब आप देख पाएंगे काफ़ी चेंजेस इन योर थॉट्स, इन योर स्ट्रेस लेवल। इट विल मेक यू मोर काम बट अवेकन। एक अच्छी गहरी नींद के लिए कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जो हमें अच्छी गहरी नींद लेने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि टाइमिंग, प्लेस और दूसरे कई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। So, अच्छी गहरी नींद लीजिए और हेल्दी रहिए। इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरआई आउटलुक बॉक्स एंड गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज डू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।